जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी के डेट में आधार कार्ड हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको सिक्योर रखना आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। दोस्तों हाल ही में अभी आधार बायोमेट्रिक स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उससे बचने के लिए आप अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक करके रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना आधार बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, कोई भी पार्ट आप इसको बिल्कुल भी ना करें। तो हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल वर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सीजी बॉय में। सीधी बात तो बकवास, तो चलिए कुछ नया सीखे। सबसे पहले दोस्तों आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप यहां पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। यहां पे हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो चलिए मैं इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि यहां पर है आधार अपडेट, गेट आधार और आधार सर्विसेज। तो आपको दोस्तों आधार सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे में लिखा है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लॉगिन कर लेना है, तो चलिए हम लोग लॉगिन करके मिलते हैं। जैसे ही आप ओटीपी डाल के लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमारा आधार कार्ड लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा और यहाँ पर आपका 7th नंबर में है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर दोस्तों इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका बायोमेट्रिक सक्सेसफुली लॉक हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको गो टू डैशबोर्ड में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका बायोमेट्रिक लॉक हो चुका है। और दोस्तों इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और हमारे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग और गवर्नमेंट से रिलेटेड वीडियोस आते रहता है, तो आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करके रख ले ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।